गाय बड़ी पवित्र है और गाय माँ का स्वरूप है। गाय के गोमूत्र में तीर्थ जल है, गोमूत्र से स्नान, बड़े बड़े संत लोग गोमूत्र से स्नान करते हैं। डोंगरे जी महाराज गोमूत्र से स्नान करते थे, बड़े अच्छे कथावाचक हुए गुजरात के डोंगरे जी, श्री केशव देव रामचंद्र डोंगरे जी महाराज, वो गोमूत्र से स्नान करते थे। आरोग्य कारक तो है ही, पवित्र भी है। गोमूत्रेण स्नापयित्वा गायों का सम्मान करें, गायों की रक्षा करें, गायों का पूजन करें, गाय पालें। बोलो गौ माता की जय। गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गोरज सार्भकम्। गाय के खुर के नीचे की मिट्टी निकाली और लाला के तिलक किया। सब आदि व्याधि नाशक है गाय के खुर के नीचे की मिट्टी। बालक को नजर लगी हो, आदि व्याधि हो, रो रहा हो, तो गाय के खुर के नीचे की मिट्टी निकालो, देसी गाय के खुर के नीचे की मिट्टी, और लगा दो बाल पर, तुरंत सब रोग ठीक, सब आदि व्याधि नजर से दूर हो जाएगी। ये प्रयोग करें, और ये तभी प्रयोग होगा जब गायें उपलब्ध होंगी और गायों की सेवा होगी। गोपिकाओं ने कन्हैया के भाल पर गोरज लगाई और फिर मैया यशोदा ने ब्राह्मणों को बुलाकर बहुत धान बांटा। आज ब्राह्मण संतों की कृपा से लाला बचा है डाकिनी के हाथों से। बोलो नंदलाल भगवान की जय। आज कन्हैया ने करवट बदली है, मैया यशोदा ढूंढती रहती है कोई उत्सव हो, लाला का उत्सव हो, तो जब करवट बदली कान्हा ने तो मैया ने कहा आज उत्सव करेंगे। जनवृक्ष योग नंदस्य पत्नी कृतमज्जनादिकम् विप्रै कृतस्त्वयनम् सुपूजितै। आज नंद पत्नी यशोदा मैया स्नान करके पवित्र हुई, ब्राह्मणों को दान किया, ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन किया और मैया ने बुलबुआ लगाया। गोपिकाएं नाना प्रकार की भेंट लेकर के आंगन में एकत्र हुई। लाला जो रो रहे हैं तो मैया ने छत में लगी गाड़ी में डाल दिया पालना और उसी में लाला को झुला दिया। यशोदा हरि पालने झुलावें, हलरावे दुलराई मल्हावे, जोई सोई कछु गावे, मुरी लला को आवरी निदरिया, काहे न बेगी सुहावे, और कबहू पलक हरी मूंद लेत हैं, कबहू अधर फरकावे, सोवत जानी लाल अपने को करी करी सैन बताव। यशोदा हरि पालनी झुलावे, पालना में झुला करके चली गई। इतने में कंस के द्वारा भेजा हुआ शकटासुर नामक दैत्य आया और ये शकट गाड़ी पर बैठ गया, भगवान पर गाड़ी गिराना चाहता है, और उस समय भगवान ने उसकी चतुराई को समझा और फिर गोविंद ने पदाघात किया और पदाघात के साथ शकटासुर गोविंदाय नमो नमः। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। शक्तासुर ये हिरण्याक्ष का पुत्र उत्कच नामक दैत्य था, लोमस ऋषि के साप से शरीर रहित हो गया था। आज भगवान ने उसे मोक्ष दिया। भांड बर्तन जो बिखर गए गोपिकाओं ने संभाला, लाला को संभाला। लगुआ जब समाप्त हुआ तो सायंकालीन बेला में मैया यशोदा कन्हैया को गोद में लिए बैठी हैं। कन्हैया का भार बहुत बढ़ गया, मैया की जांघें टूटी जा रही हैं, इतना वजन हो गया भार। मैया ने कहा इतना लाला भारी हो गया, मोटा हो गया। मैया ने लाला को धीरे से उतार दिया, भूमि पर लिटा दिया। इतने में आंधी आ गई। तृणावृतः शांतरयो वात्यारूप धरोहरं कृष्णं न भोगतो हन्तुं ना शक्नोत अद्भुत अर्भकः।
तना नाम आवरता। आंधी बवंडर बनकर के आ गया तनावर पर, काली आंधी बनकर आ गया, भीषण अंधड़ ब्रज में आ गया है, कुछ सूझ नहीं रहा, आंखों में धूल भर रही है, बचाओ उतरा ईमान के स्वर हो रहे हैं। ऐसी विकराल आंधी जब आई और तृणावृत हो लाला श्याम सुंदर को उठाकर आकाश में ले गया। कृष्णम नभो गतो हंतुम, आकाश में ले जाकर मारना चाहता है, यमुना में फेंकना चाहता है। तो भगवान ने क्या किया, गले ग्रहीत उत्सृष्टम दैत्यो निर्गत लोचना, भगवान ने उसका कंठ जोर से दबाया तो उसकी आंखें बाहर निकल आईं। फिर भगवान ने ढीला किया तो भीतर आंखें गईं, फिर दबाया फिर बाहर निकल आईं। ऐसा खेल करते करते उसे घुमाया, तम अंतरिक्षात पतिता शिलायाम, अंतरिक्ष से शिला पर पटक दिया। तृणावृत गोविंदाय नमो नमः, तृणावृत का वध करके फिर छोटे रूप में आकर मैया के पास लेट गए हैं। बोलो बाल भगवान की जय। कन्हैया के नामकरण का दिन है तो महाराज श्री वसुदेव जी ने सोचा, नंद बाबा न जाने कैसे नाम रखवा दें, हम अपने पुत्रों के नाम अपने आचार्य जी से रखवाएंगे। हमारे आचार्य ज्योतिष के प्रकांड विद्वान गर्ग जी महाराज हैं, तो गर्ग जी से निवेदन किया, महाराज आप गोकुल चले जाएं और हमारे पुत्रों का नामकरण जाकर कर दें। गर्ग जी महाराज चले, गर्गाचार्य जी। गर्गा पुरोहितो राजन यदु नाम सुमहत्तपः, ब्रजम जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। वसुदेव प्रचोदितः, वसुदेव जी के द्वारा भेजे हैं, गए हैं महाराज, आए हैं। जब समय गर्ग महाराज, तो नंद बाबा ने उनके चरण पखारे, वो जल पूरे भवन में छिड़का, आरती की, पूजा की और कहा महाराज हमारे पुत्रों का आप नामकरण कर दें। ये भारतीय संस्कृति है जहाँ संतों का, गुरुजनों का ऐसा आदर होता है और वो तीर्थ जल हो जाता है जो उनके चरणों से निश्रित होता है। कहा महाराज हमारे पुत्रों का आप नामकरण कर दें। महाराज गर्ग जी बोले, यदु नाम अहमाचार्य ख्यातस्य भुवि सर्वतः, सुतम मया संस्कृतम ते मन्यते देवकी सुतम। यदु नाम अहमाचार्य, मैं यदुवंश का आचार्य हूं, ख्यातस्य भुवि सर्वतः, सभी विश्व में ये बात प्रसिद्ध है कि मैं यदुवंश का आचार्य हूं। सुतम मया संस्कृतम, यदि मैंने तुम्हारे पुत्रों का नामकरण संस्कार किया तो मन्यते देवकी सुतम, इन्हें देवकी का पुत्र माना जाएगा। कंस आदि ये शंका करेंगे कि यदुवंश के आचार्य वहां नंद बाबा के पुत्रों का नामकरण करने क्यों गए। कंसा पापमती सख्यम तो चाणक दुंदुभे, कंस पाप स्वभाव का है, शंका उसके हृदय में बहुत है, कहीं आपके बालकों का मेरे द्वारा नामकरण होने जाने पर अनिष्ट न हो जाए, इसलिए आप मुझसे नामकरण मत कराओ। महाराज नंद बाबा कहते, महाराज नामकरण तो आपसे ही कराना चाहते हैं, लेकिन आप सबके सामने प्रकट में नामकरण न करें, आप सायंकालीन बेला में चुपचाप एकांत में गौशाला में नामकरण कर दें, तब तक आप भोजन बनाए विश्राम करें, भोजन करें विश्राम करें। गर्गाचार्य जी ने भोजन बनाया, बढ़िया पूड़ी बनाई और खीर बनाई, तस्मई और तुलसी दल धर के भगवान का भोग लगाया। बिना भोग लगाए भोजन नहीं करना चाहिए, बिना भोग लगाए जो भोजन करते हैं वो चोरी का अन्न खाते हैं, ये बहुत ध्यान दो। भोजन बन जाए तो भोग जरूर लगाओ, अग्नि में आहुति डालो साथ, अग्नि नहीं है, अग्नि होनी चाहिए। अब गैस है तो गैस पर आहुति कैसे दोगे, इसलिए अग्नि में कुछ अग्नि कुंड रखो, उसमें कुछ लकड़ियां भी रखो, गाय के गंडे रखो गोबर के, इस प्रकार अग्निहोत्र करें थोड़ा, नहीं तो भोग लगाएं तुलसी रख करके और कहें, ओम तदीयम वस्तु गोविंद तुम्हें समर्पये ग्रहण समकुम भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। आओ गोविंद भोग लगाओ, तुम्हारी वस्तु है ग्रहण,
सम्मुखम भूत्वा सम्मुख होकर ग्रहण करो, प्रसन्न हो जाओ भगवान। अब जिन्हें संस्कृत का स्वरूप नहीं मालूम तो अपनी भाषा में भाव में बोलो, आओ भोग लगाओ मोहन, आओ भोग लगाओ शिवरी के बेर सुदामा के तंदुल, शिवरी के बेर सुदामा के तंदुल, रुचि रुचि भोग लगाओ मोहन, रुचि रुचि भोग लगाओ मोहन, आओ भोग लगाओ मोहन, आओ भोग लगाओ मोहन, दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, शाक विदुर घर खायो मोहन, शाक विदुर घर खायो मोहन, आओ भोग लगाओ मोहन, आओ भोग लगाओ मोहन, आओ भोग लगाओ मोहन, आओ भोग लगाओ। छोटे से गोपाल पालना से उछले और घुटनों चलते हुए गर्गाचार्य की थाली में हाथ डाल करके खीर खाने लगे। पूरे शरीर में चुपड़ रहे हैं और खीर खा रहे हैं। गर्गाचार्य ने कहा, बाबा नंद तुम्हारे लाला ने हमारा भोजन जूठा कर दिया। महाराज बालक गोरे रंग का है कि सांवरे रंग का है? कहे तो सांवरे रंग का है महाराज, वो तो बहुत छोटा है, पालना में लेटा है। बोले देखो ये पालना में लेटे हैं, साथ ही में भोजन कर रहे हैं। आए देखा तो साथ में ही खीर खा रहे हैं, चुपर रहे हैं पूरे शरीर में। तो कहा देखो नंद बाबा, ये दृश्य देखकर भीतर भागे तो देखा पालना में भी सो रहे हैं, मारे खुशी के आंगन में गिर पड़े धम्म से। और बोले जसोदा बालक तो दुई हो गए, यहां वहां दुई बालक देखा, मति भ्रम मोरी की आनी विशेखा। ये दो बालक कौशल्या मैया को भी ऐसा ही हुआ था। कौशल्या मैया ने एक बार रामलला को नहलाया, नहलाती तो रोजे ही थी, जब कोई विशेष घटना होती है तो एक बार शब्द जोड़ते हैं, एकदा जोड़ते हैं। एक बार जननी अनवाए, करी सिंगार पलना पौड़ाए। और वहां गई जहां इनके इष्ट देव रंगनाथ जी का पूजन होना था, बढ़िया पाक पकवान खूब बना के सजा के रखे थे। और फिर वहां से आकर के गई दूसरे कार्य में लगी, पूजा होनी है तैयारी में लगी हैं। भगवान धीरे से पहुंच गए उठ करके वहां मंदिर में, और पाक जो थे लड्डू थे मोदक पुआ थे पकवान थे 56 भोग थे भगवान खाने लगे। तो रंगनाथ जी का पूजन होना था, रंगनाथ जी बोले ये कौन आ गया हमारा भोग खाए जा रहा। रंगनाथ प्रकट हो गए, बोले तुम कौन? भगवान बाल राम बोले तुम कौन? बोले हम रंगनाथ। बाल भगवान बोले हम उछंगनाथ। बोले उछंगनाथ तुम्हारा नाम कैसे है? बोले कब हूं उछंग कब हूं बर पलना, मात दुलारई कही कही ललना। भैया ऐसे उछंग करती कि उछंगनाथ है हमारा, तो उछंगनाथ। तो इतने में आ गई मैया, मैया ने देखा ये तो लाला यहाँ खा रहा, दौड़ के गई पालने में भी सो रहे हैं। यहाँ वहां दो बालक देखा, मैया यशोदा को प्रभु श्री राम ने अपना विराट रूप दिखाया। दिखरावा निज मात ही अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। ऐसे विराट रूप का दर्शन कराया। रमयन सुहृदय गुणई आख्यास्यते इति राम, फलाधिक्या बलम विदो। रोहिणी तुम्हारे पुत्र का नाम हम रखते हैं राम। रमेन सुहृदय गुणी इति रामः,
अपने गुणों से अपने श्रोतों को प्रसन्न करेगा, इसलिए इसका नाम राम है। ये कभी योग माया द्वारा खींच करके लाया गया था, इसलिए इसका एक नाम है संकर्षण। और ये जो दूसरा बालक है ये रंग बदलता है। आसन्न वर्णास्त्रयो यस्य गृह्यतो अनुयुगम तनु शुक्लो रक्तस्तथा पीतम इदानीं कृष्णताम गतः। ये जो बालक है दूसरा, ये सतयुग में था शुक्ल वर्ण का, शुक्ल वर्ण शुक्लांबर धर्म देवम शशि वर्ण चतुर्भुज, त्रेता में रक्त श्यामल वर्ण का हुआ। इदानीम कृष्णताम गता, इस समय काले रंग का है, इसलिए रंग के आधार पर इस बालक का नाम हम रखते हैं कृष्ण। कृष्ण धातु से कृष्ण शब्द की निष्पत्ति है। कृष्ण कर्षणे कर्षति सर्वभूतानां मनांसि कृष्णः, जो समस्त प्राणियों के मन को खींच लेते हैं वो कृष्ण है। देखिए अवतार सभी वंदनीय है पूजनीय है, लेकिन जो कृष्ण है ये एक विशेष मोहक है, मोहिनी है इनमें, ये बरबस खींचते हैं, आकर्षण करते हैं। खींच लिया कर्षति सर्वभूतानां मनांसि कृष्णः, तो इसलिए इनका नाम कृष्ण है। और आख्यास्यते कृष्ण, इसका नाम कृष्ण रखते हैं। शुक्लो रक्तस्तथा पीतम इदानीं कृष्णताम गतः, ये तुम्हारा पुत्र कभी वसुदेव जी के घर भी जन्मा था। प्रागयम वसुदेवस्य क्वचित जातः तवात्मजः वासुदेवेति श्रीमान अभिज्ञा संप्रचक्षते, कभी वसुदेव जी के घर जन्मा था, इसलिए वसुदेवस्य पत्यम मानिति वासुदेवः, वसुदेव के पुत्र होने के कारण इस बालक का नाम रखते हैं वासुदेव। वाशी वाशी तिष्ठत यासा वासुदेवा, जो कणकण में निवास करते हैं, इसलिए इसका नाम वासुदेव है। और ईशावास्य विदम सर्वम यत्किं जगत्याम जगत, जो पूरे विश्व का आवास है, इसलिए इसका नाम वासुदेव है। पूरा विश्व जिसमें निवास करता है, इसलिए इनका नाम वासुदेव है। वसुदेवे आत्मायाम निवसति यासा वासुदेवा, जो वसुदेव माने आत्मा, जो आत्मा में निवास करते हैं, इसलिए इनका नाम वासुदेव है। और ये सर्वत्र कणकण में व्याप्त है, सर्वव्यापक है, इसलिए वासुदेव नाम। ये रोहिणी नक्षत्र के तृतीय चरण में जन्मा है, इसकी राशि वृख है, वृष राशि, इसलिए इसकी राशि का नाम है बिहारी लाल, बिहारी जी, राशि का नाम बिहारी। बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्यते न शक्यते अनुसंख्यातुं अनंतस्तन्मयापि, इसके नाम बहुत हैं, गिना नहीं जा सकता, जिसको जो प्रिय लगे वो नाम बुलाओ। इतने में दौड़े हुए आ पहुंचे कुछ ग्वाल, बोले हम तो कहेंगे सांवरिया गोपाल, बोले हम तो कहेंगे सांवरिया गोपाल। सांवरिया गोपाल नंद जी के मित्र टेर उठे, नंद जी के मित्र टेर उठे, ये नंद लाला है नंद नंदन, लाला है नंद नंद है, ये ब्रज बनिताएं जो बैठी थी बोली अपना मन मोहन है, ब्रज बनिताएं जो बैठी थी बोली अपना मन
पुकारी गोदी ले रोहिणी पुकारी गोदी ले। हाँ ये दाऊ जी का भैया है, ये दाऊ जी का भैया है। यशोदा ने कहा बलैया ले ये मेरा कुंवर कन्हैया। यशोदा ने कहा बलैया ले ये मेरा कुंवर कन्हैया है। सबने अपने अपने अनुसार नामकरण किया, गर्गाचार्य जी ने दक्षिणा से प्रसन्न किया, गर्गाचार्य जी अपने आश्रम गए। अब धीरे धीरे भगवान श्याम सुंदर घुटनों चल रहे हैं, ब्रज के कर्दम में लौटते हैं, गौओं के मूत्र और गोबर की कींच में शंकर आता, माता सुंदर श्रृंगार करके भेजती है तो सन के आता, इन्हें गोबर कींच में सन्ना बड़ा प्यारा लगता, कहते हैं तो तीर्थ मिट्टी है, तीर्थ है। मैया कहती कृष्णा तुम सुकरोश, कृष्णा तुम सुकरोश, तुम तो सुकर हो। मैया कहती छड़ी लिए अच्छा इतना सुंदर श्रृंगार किया और कींच में सन के आया सुकर हो। भगवान बोले माता गत जन्मनी, एक जन्म में हम सुकर बने थे। अच्छा बड़ी मुजोरी करता, छड़ी लेकर दौड़ी मैया, भाग गए भगवान। सन के आते हैं व्यास भगवान कहते देखिए इनकी लीला। गोपालांगण करदमी बिहर से विप्राद भरे लज्ज से भ्रूषे गोषित हूं कृते स्तुति पदैर मौनम विदत्से सताम दास्यम गोकुल कामिनी सुपुरुषे स्वाम्यम न दत्तात्मसु जाने कृष्ण तुदीय पाद युगुलम प्रेमैक लभ्यम परम। गोकुल के ग्वालों की आंगन की कींच में सनना तुम्हें बहुत प्यारा लगता है, बिहार करते हो उस कींच में। गोपाल आंगन कर्द में बिहार से कींच में बिहार करते खूब उसमें सानी बानी करते सौंधते हैं खूब पूरा शरीर है। और विप्राद भरे लज्ज से बड़ी बड़ी यज्ञशालाएं और आचार्य लोग आह्वान करते हैं वहां जाने में लज्जा का अनुभव करते। ब्रूषे घोषित हूं कृते बछड़े जब रंभाते हैं तो उनके मुंह में मुंह लगा करके उनकी बोली की नकल उतारते हैं, जैसे बछड़ा रंभाए तैसे ये रंभाए नकल उतारे बोली की, बंदरों की बोली, बछड़ों की बोली, स्वानों की बोली, उनकी बोली की नकल उतारते हैं, पशुओं की बोली का अभ्यास करते हैं। तो उस समय देवता कहते हैं देखो बड़े बड़े विद्वानों के वेद पाठ में मौन हो जाते हैं और यहां बछड़ों की नकल उतारते हैं। मौनम विदत्से सताम दास्यम गोकुल कामिनी सुकुरुषे गोकुल कामिनी सुदास्यम कुरुषे। गोकुल की गोपिकाओं के दास हो गए, दास उनकी टहल करते हैं, गुमें लगाते हैं, दही मधुते दास्यम गोकुल कामिनी सुकुरुषे स्वाम्यम न दत्यात्मसु आत्मसु स्वाम्यम न ददास। जो परमहंस हैं उनको उनके भी स्वामी नहीं बनना चाहते, आत्मज्ञानियों के भी स्वामी नहीं बनना चाहते। स्वाम्यम न दत्यात्मसु आत्मसु स्वाम्यम न ददास, आत्मज्ञानियों के भी स्वामी नहीं होना चाहते। जाने कृष्ण त्वदीय पादयुगलम प्रेमैक लभ्यम परम। हे कृष्ण हमने जाना तुम्हारे चरण कमल केवल प्रेम से प्राप्त होते हैं, अन्य किसी साधन से नहीं। इस प्रकार ब्रज कर्दमों में खेलते हैं, बछड़ों की पूंछ पकड़कर उनके पीछे पीछे दौड़ते हैं, बछवा छोड़ करके गैया का दूध पिया देते हैं। बड़े नटखट हैं, मैंने बछवा बंधा खोल दिया और गाय का दूध पिया दिया, सबके पूरे गोकुल के बछड़ा खोल के पिला देते हैं। गोकुल पूरा परेशान है, सानंद का छोरा सब गौ में बछड़ों को दूध पिला देता है। बड़े विचित्र हैं ये, यही लीलाएं करते हैं, बंदरों की तरह उछलते हैं, कभी रामावतार की शुद्ध करके सेतु का निर्माण करते हैं, ऐसे थोड़े मिट्टी के गड्ढा में पानी भरते हैं फिर सेतु बनाते हैं,
बोले रामावतार की नकल करते हैं, ऐसे ही सब उत्पलवनम उछलते हैं शाखा से शाखा पर, शाखाओं के साथ ऐसी सुंदर लीलाएं। धीरे धीरे भगवान श्याम सुंदर थुमक थुमक करके चलते हैं, लीलाएं करते ब्रज में घूम रहे। अब भगवान श्याम सुंदर छोटे से गोपाल धीरे धीरे चलते हुए एक चबूतरा से इन्होंने मिट्टी निकाल करके खाई। इतने में यशोदा की हितैषी आई, ग्वाल बाल भी आ गए और माता से शिकायत की, माता आज लाला ने मिट्टी खाई। भैया यशोदा छड़ी उठा लाई, मिट्टी खाने लगा लाला। कन्हैया तैने मिट्टी खाई है? कन्हैया बोले ना हम भक्षितवान अम्ब सर्वे मिथ्या विशंसिना यदि सत्य गिरस्तर ही समक्षम पश्य मे मुखम। मैयारी मैंने मिट्टी नहीं खाई, ये ग्वाल बाल सब झूठ बोलते, ये ग्वालिने भी झूठ बोलते, सर्वे मिथ्या विशंसिना यदि सत्य गिरस्तर ही समक्षम पश्य मे मुखम। अगर इनकी वाणी तुम्हें सत्य प्रतीत होती है तो मेरा मुख सामने देख लो। मैया ने कहा मुख दिखाओ, और जो ही गोविंद ने मुख खोला सा तत्र ददृशे विश्वम जगदस्थानम चखम दिशा सा दृद्वीपा विभूगोलम सवायु अग्नि इंदु तारकम। लाला ने जब मुख खोला तो लाला के मुख में अनंत ब्रह्मांडों का दर्शन हुआ। सा तत्र ददृशे विश्वम, पूरे विश्व को माता ने देखा। जगत स्थानम चखम दिशा, आकाश को देखा, दिशाओं को देखा, सवायु वायु को देखा, आकाश में तारे देखे, नक्षत्र देखे, सूर्य देखे, चंद्रमा देखे, सवायु अग्नि इंदु तारकम, साद्र द्वीप अब्धि भूगोलम पर्वत देखे, नदियां देखी, समुद्र देखे, तल तल वितल सुतल तलातल सातल पाताल, भूलोक भूर्लोक स्वर्गलोक महरलोक जनलोक तपलोक सत्यलोक, अनेक अनेक लोकों को देखा। और इस प्रकार से आज मैया यशोदा बड़ी विकल हो गई कि मैं लाला के मुख में क्या देख रही हूं। किम स्वप्न में तदुत अथवा देव माया किंबा मदियो बत बुद्धि मोहा अथो अमुष्यैव ममार्भकस्य। किम स्वप्नम, मैं कोई सपना देख रही हूं या देवताओं की कोई माया है? किम स्वप्न में तदु अथवा देव माया किंबा मदीयो बत बुद्धि मोहा अथो अमुष्यैव ममार्भकस्य। ये उपपत्तिक आत्मयोगः, मैं क्या देख रही हूं, सपना देख रही हूं या देवताओं की कोई माया है, या मेरी लाला के मुख में कोई आध्यात्मिक चमत्कार है, क्या है? माता बड़ी विकल हो गई। यह कश्चन उपादित आत्मयोग, कोई आत्मयोग, कोई चमत्कार, कोई दैवी चमत्कार हो रहा है, मैं क्या देख रही हूं? मैया बड़ी विकल है, भगवान ने देखा माता बड़ी विकल है, तो आज भगवान ने अपना मुख बंद कर लिया। माता ने पुनः मुख खोला, भगवान ने खोला, माता ने देखा मिट्टी का छोटा सा ढेला रखा है, मैया ने निकाल दिया, लाला को हृदय से लगा लिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। महाराज परीक्षित जी कहते हैं, पूजनीय सुखदेव जी महाराज, नंदा किम अकरोत् ब्रह्मन् श्रेयैव महोदयम् यशोदा च महाभागा पपौ यस्यास्तनम् हरिः। नंद बाबा ने कौन सा पुण्य किया था, यशोदा ने कौन सा पुण्य किया,
जो आज उनका स्तनपान भगवान कर रहे हैं और उनके आंगन में खेल रहे हैं। महाराज सुखदेव बोले, द्रोणो वशूनाम परवरो धरया सहभाग्यया करिष्यमाण उद्देश्यम ब्रह्मणस्तम हुआ चाह। देवताओं में वशुओं में श्रेष्ठ वशु महाराज द्रोण अपनी धरा देवी के साथ में ब्राह्मण ब्राह्मणी के रूप में मृत्युलोक में आकर कई हजार वर्ष भगवान की तपस्या की और जब भगवान प्रकट हुए कहा वरदान मांग लो, तो उनका मादृशो अमृत श्रुता आप जैसा पुत्र चाहते। भगवान बोले, ये वरदान हम प्रश्न और शुतपा को दे चुके हैं, बालक तो हम उनके बनेंगे लेकिन हम बाल लीलाओं का आनंद आपको देंगे। मैया स्तनपान हम तुम्हारा करेंगे। तो 11.5 वर्ष तक भगवान कृष्ण ने मैया यशोदानंद बाबा को बाल सुख का आनंद दिया है। यशोदा दाती आशा यशोदा, जो सबको यश देती है वो यशोदा है, यश बांटती है वो यशोदा है। नंदम आनंदम ददाती आशा आनंदा, जो सबको आनंद देते हैं वो नंद है, जो सबको आनंद दे। जैसे आयोजक लोग हैं, परिश्रम खुद करते हैं, आनंद सबको देते हैं, तो इनकी नंद की उपाधि ये नंद है। नंदम आनंदम ददाति आशा नंदा, जो सबको आनंद दे वो नंद है। स्वयं कष्ट सहकर भी दूसरे को आनंद दे वो नंद है। सबको सम्मान देकर और स्वयं सम्मान न चाहे, बहुत दुर्लभ लोग ऐसे हैं, सबको सम्मान दे और खुद न चाहे, ऐसे दुर्लभ। भगवान कहते हैं ऐसे लोग हमें प्राणों से ज्यादा प्यारे हैं, जो सबको सम्मान दे और स्वयं सम्मान न चाहे। सब ही मान प्रद आप अमानी, सब ही मान प्रद आप अमानी, भरत प्राण सम प्रिय ते प्राण। तो प्राणों से अधिक प्यारे हैं। तो भक्तो, अब महाराज नंद बाबा और यशोदा के घर आनंद कंद खेल रहे, ठुमक ठुमक चलते हैं भगवान, पैरों में पैंजनिया है, लला की पैंजनिया बाजे रे, लला की पैंजनिया बाजे रे, लला की पैंजनिया। हाँ मोर मुकुट जाके शीश पे सो है, 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 लट लट के लट कनिया, लट लट के लट कनिया, लला की पैंजनिया बाजे रे, लला की पैंजनिया बाजे रे, लला की पैंजनिया। मुकुट जाके शीश पे सो है, मोर मुकुट जाके शीश पे सो है, लट लट के लट कनिया, लला की पैंजनिया। तीन लोक जाके उधर बसत है, तीन लोक जाके उधर बसत है, तीन लोक जाके उधर बसत है, तीन लोक जाके उधर बसत है। ताही न चामे नंद रनिया, ताही न चामे नंद रनिया, लला की पैंजनिया बाजे रे, लला की पैंजनिया।
अब ग्वालिनों के घर जाते हैं और ग्वालिनियां छांछ पर नचाती हैं। बड़े बड़े योगियों को ध्यान में जो नहीं आते हैं उन्हें ग्वालिनियां छांछ पर नचाती हैं। भैया यशोदा बोली, कन्हैया तुम्हारे घर में 9 लाख गुमे हैं, 9 मन मक्खन होता है, तुम जाकर के ग्वालिनों के यहाँ माखन छांछ पर नाचते हो। माखन क्या, वो तो छांछ पिलाती है। भगवान बोले, मैया यदि अपने हाथ से तुम दही मथो और मक्खन निकालो तो हम खाएं। तुम्हारे यहाँ दासियां हैं, अपने हाथ से लाला को खिलाओ, भगवान की सेवा अपने हाथ से करो। मैया ने कहा ठीक है, आज हम स्वयं दही मथेंगी। माता ने दासियों को अन्य गृह कार्यों में लगा दिया। एकदा गृहदासीषु एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधि। एक बार घर की दासियों को अन्य कार्यों में लगा दिया, कर्मांतर नियुक्ता अन्य कार्यों में लगा दिया और स्वयं दधि निर्ममंथ माता स्वयं दही मथने लगी। दधि निर्मंथने काले दधि मत्ती जाती और मोहन की बाल लीलाएं गाती जाती हैं। वो कैसी मैया यशोदा है, तो व्यास भगवान लिखते हैं, छौमम वाशः पृथुकटितटम बिभ्रति सूत्र नद्धम पुत्र स्नेह सनुत कुचयुगम जात कंपम शशुभ्र रज्ज्वाकर्षत जब रज्ज्वाकर्षत श्रम भुज चलद कुंडलं कंकणं चे सुन्नं वक्त्रं कबर बिगलन मालती निर्ममंथ। माता यशोदा आधी उम्र पार कर चुकी हैं, बढ़ोतरी की ओर बढ़ रही, बड़ा स्थूल शरीर माता का है। छगुमं बासा रेशमी साड़ी पहने हैं, रेशम पवित्र होता है, ऊन और रेशम दो पवित्र होते हैं, नित्य न भी धुले तब भी वो पवित्र रहते हैं। सूती वस्त्र नित्य धुलना, ऊनी और रेशमी ये पवित्र होते हैं दो वस्त्र। पूजा में इनका प्रयोग बड़ा अच्छा होता है, तो रेशम के वस्त्र पहने हैं मैया। छौमं वाशः पृथुकटितटम, माता का जो कटितट है उधर पृथु बहुत मोटा है, पेट निकला हुआ है। अब पेट निकला शरीर बहुत मांसल है, मैया यशोदा का दुबरी पुत्री नहीं है, अब माखन मलाई खाने वाली है, दुबरी पुत्री कैसे हो, तो बहुत विशाल स्थूल शरीर है माता का। तो विभ्रति सूत्र नद्धम, तो बड़ी मोटी करधनी पेट पर कसके बांधे हैं, कमर कसके करधनी, दही मत नहीं लाला के लिए, बड़ी मोटी सोने की करधनी उधर पर बांध ली है। विभ्रति सूत्र नद्धम पुत्र स्नेह स्नुत कुछ युगम, अब कन्हैया के प्रति इतना प्रेम लिया में है कि वो स्तनों में दूध उमड़ रहा है कि लाला के लिए हम निकल पड़े स्तनों से, स्रवित तो हो जाए ऐसे। तो जब इस प्रकार का दृश्य है, पुत्र स्नेह स्नुत कुछ युगम जात कंपम च शुभ्रो, जात कंपम मैया को हल्का प्रेम का कंपन हो रहा है भाव से, और रज्ज्वाकर्षत श्रम भुज चलत, चांदी की मटकिया है और सोने की मथानी है, रेशम की डोरी है, मणि के खंभा में बांधे है और मथ रही है। रज्ज्वाकर्षत श्रम भुज चलत, भुजाओं का मांसल मांस हिल रहा है और कुंडल और कंकन खनखना रहे हैं और मोहन की बाल लीलाओं का गान कर रही है। आज भगवान पालना में लेते हैं, भगवान उतर पड़े और मैया के निकट आए, पकड़ ली मथानी, गृहीत्वा दधि मंथानम नषेधत प्रीति मा बहन, भगवान ने मथानी पकड़ ली और प्रेम का प्रदर्शन करते हुए, प्रीति मा आवाहन आवाहन करते हुए भगवान ने कहा, माता हमें दूध पिलाओ, भूख लगी। तो मैया जो है, मैया ने आज दही मथना बंद कर दिया और लाला को पिलाने लगी दूध। ये दधि मंथन की क्रिया ज्ञान मार्ग है।
जहां पर तब मथी काढ़ी ले नवनीता, तो वो ज्ञान कांड है, उत्तर कांड में जो वर्णन है सात्विक श्रद्धा धैर्य सुहाई का प्रकरण। तो ये ज्ञान दीपक जल्दी बुझ जाता है, तो प्रेम का आवाहन किया, प्रीति आवाहन, प्रेम मार्ग से भगवान प्राप्त होते और माया भी अनिष्ट नहीं करती, ज्ञानी को गिराती है, तो निषेधत प्रीति आवाहन, प्रेम का आवाहन करते हुए माता का दूध पीने लगे। मैया बड़े प्रेम से कन्हैया को दूध पिला रही है। तमंकमारूढ़ अपायत स्तनम स्नेह श्रुतम सस्मितमीक्षति मुखम, बड़े प्रेम से गोदी में लिटाकर मैया दूध पिला रही है और सस्मति बार बार मुस्करा करके लाला का मुख देख रही है। तमंकमारूढ़ अपायत स्तनम, बड़े भाव से दूध पिला रही मैया को और इतना प्रेम, इतना प्रेम। तमंकमारूढ़ अपायत स्तनम स्नेह श्रुतम, स्नेह से भरी है। सस्मितमीक्षति मुखम, मुस्करा करके लाला का मुख देख रही है, कहीं मेरी नजर लाला को न लग जाए, कभी माता पिता के भी लग जाती, बड़े प्रेम से देखते, कहीं मेरी नजर न लग जाए लाला को, तो आंचल से ढांक लेती है, अपने ही आंचल से धोती के छोर से लाला को ढांक लेती है। महाराज सूरदास जी लिखते हैं, अचरा तरल ढाकी, कैसा सजीव चित्रण करते हैं, अचरा तरल ढाकी सूर के प्रभु को दूध पियावे, जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ सोनंद भामिनी पावे। बड़े प्रेम से लाला को दूध पिला रही है, नेत्रों में प्रेमाश्रु है और आंचल से ढांक लेती हैं और फिर हटा के मुंह देख लेती हैं, फिर झांपती है। अचरा तरले ढाकी सूर के प्रभु को दूध पियावे, जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ सोनंद भामिनी पावे। जो देवताओं को भी कभी नहीं सुख मिला, नेमम विरंचिम न भवम, न कभी ब्रह्मा को सुख मिला, न शंकर जी को सुख मिला, आज नंद गेहिनी यशोदा को सुख मिल रहा, बालक कृष्ण लाल को गोदी में लिटाकर मैया दूध पिला रही है। अब मैया का दूध पहले उमंग रहा था कन्हैया के लिए, तो वो दूध तो कन्हैया पी रहे हैं, लेकिन गैया मैया का दूध, एक गैया 9 लाख गैयों में एक गैया ऐसी थी जिसको केसर खिलाई जाती थी, नंद बाबा उसको यशोदा मैया केसर खिलाते थे, घास नहीं खाती थी केसर, और उसका दूध दुहा जाता था और उसमें फिर कस्तूरी मिलाकर उसको गर्म करके कन्हैया को पिलाया जाता था। वो नहीं पीते थे, ग्वालिनों के घर में जा जा के मट्ठा पीते थे, छाछ छाछ पे नाच नचा, तो वो पयोगंधा गाय का नाम था, पयोगंधा गाय का दूध, वो आग पर रखा गर्म हो रहा था, मिट्टी का बड़ा पात्र दुधाड़ी से, दुधाड़ी कहते, ये पात्र गायब हो गए, दुधाड़ी एक पात्र और गायब हो गया, डारवा जानते हो, नए लोग कहो जानते हैं ना, डारवा मिट्टी वाला जिसमें अनाज भरा जाता था, तो ये पात्र जो है बड़े अच्छे पात्र, तो दुधाड़ी जो है, नहीं क्या दुधाड़ी सांप रखा रहे, एक दूध गुड़ खाना था, गया था नातेदारी का, आज हमें इतना सांप मिला, बोले कितना बड़ा, बोले जहां दुधाड़ी से लेकर वो गुड़ के भेल आता, बोले अच्छा दूध गुड़ खाना चाहता, तो महाराज दुधाड़ी में रखा था दूध, पयोगंधा गाय का दूध उफनाने लगा, और जब दूध उफनाने लगा तो मैया ने देखा कि ये कन्हैया
कद्दू दुखनाया जा रहा है, तो मैया ने कन्हैया को छोड़ दिया, उतारा तो धम्म से गिरे, दूध बचाने चली गई। आज यहां प्रेम की परीक्षा हो गई, भगवान परीक्षा ले रहे थे माता यशोदा की। माता यशोदा जीव है और भगवान कृष्ण ब्रह्म है। जीव भगवान से प्रेम करता है, पूजा भी करता है, लेकिन भगवान सोचते ये मुझे ज्यादा चाहता है या संसार को अधिक चाहता है। मुझसे प्रेम अधिक है या भौतिक वस्तुओं में प्रेम अधिक है, धन में, पुत्र में, परिवार में, पत्नी में, व्यापार में, उसमें ज्यादा इसका प्रेम है कि मुझमें अधिक प्रेम है? अगर ये मेरे कारण वो छोड़ दे तो हम जानेंगे कि मुझमें प्रेम है, और मुझे छोड़कर उसमें लिप्त हो जाए तो हम जानेंगे इसको वो ज्यादा प्यारा है संसार। ध्यान देना, यहाँ आपका कसौटी हो रही है संसार की और भगवान की, कि संसार प्यारा है कि भगवान प्यारे हैं। ये कसौटी बड़ी कठिन है, इसमें 99% लोग संसार को ही चाहते हैं, भगवान से भी कहते हैं ये मिले, वो मिले, ये मिले। मंदिर में मांगने जाते हैं, एक दिन ये मिल जाए, महल हो जाए, कार हो जाए, भगवान बोले तुम मांगने आते हो, हमसे मिलने का बात है? हमें तुमने कभी मांगा कि आप मिल जाओ, दर्शन दे दो भगवान? तो आज परीक्षा है कि भगवान इन्हें प्यारे हैं या संसार की भौतिक वस्तुएं अधिक प्यारी हैं। और वही हुआ जो जीव का सरल स्वभाव, सहज स्वभाव है, मैया ने भगवान को छोड़ा तो धम्म से गिरे, भगवान को छोड़ दिया, गिरे धम्म से, और मैया गई दूध बचाने। ये एक जीव यशोदा की बात नहीं है, ये बहुत लोगों की बात है, वो भगवान को छोड़ देते और संसार में लिप्त हो जाते हैं। प्यारे, आज इस कथा के माध्यम से भागवत शिक्षा देती हैं कि भगवान ही सर्वस्व हैं। जब इस संसार में तुम आए थे तो खाली हाथ आए थे, और खाली हाथ ही जाओगे प्यारे, कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है। परमात्मा ही साथ आए थे, वही साथ जाएंगे, उन्हीं का दिया शरीर है, वो भीतर विराजमान है, उनका सतत ध्यान करो, उनके कार्य में सतत संलग्न बने रहो। तो आज मैया यशोदा चली गई बचाने दूध। जब वो दूध बचाने चली गई तो भगवान को कुछ क्रोध आया कि मेरा मुझसे इतना प्रेम और मुझे ही भूल गई माता। उठाया लोड़ा, संजात कोपह स्फुरिता रुणाधरम चंदन सुदधिर दधिमंथ भाजन। एक लोड़ा उठाया और मटकिया फोड़ दी, ये मोह मटकी फोड़ दी है साधक की, जिसमें प्रेम बधा था, जिसमें मोह बधा था, जिस कारण भजन नहीं हो पा रहा था, वही फोड़ दी। कभी कभी ऐसा होता है कि भक्त के जीवन में ऐसी अघट घटना होती है, उनका प्री मृत्यु मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, उनकी संपत्ति नष्ट हो जाती है, उनका कार्य बिगड़ जाता है, हानि हो जाती है, तो वो भगवान से कहता, हम दिन रात तुम्हारी पूजा करते हैं और तुम हमारा नुकसान करते हो। भगवान कहते हैं, प्यारे जब तुम आरती घुमाते हो तो यही कहते हो, तन मन धन सब है तेरा प्रभु, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। तो जब सब मेरा ही है तो हानि भी हमारी, लाभ भी हमारा, तुम क्यों रो रहे हो?